गुड इवनिंग राधे राधे आप सभी को। आज हमारा डेडलिफ्ट सेशन है एंड मेन बात बता देता हूँ जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। डेडलिफ्ट में आप फॉर्म अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हो और लोड के अंडर रह के मतलब लोड आपकी फॉर्म को कैसे हिंडर करता है, कैसे आपकी फॉर्म बदलती है, क्यों बदलती है एंड आप फॉर्म में रह के क्या कैसे कैसे कर सकते हो आप अपने डेडलिफ्ट ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम हो एंड किस इंटेंसिटी में या किस वेट पे आप अपनी मैक्सिमम फॉर्म अचीव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ आपको डिटेल में पता लगेगा। बट वीडियो के एंड में पहले हम यहाँ से जाएंगे जिम, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मेरी आज डेडलिफ्ट ही है एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको ये सब चीजें कैसे कवर करनी है, अपनी प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हो, इंजरी से बचते हुए आप काम कैसे कर सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं जिम की तरफ, उसके बाद कवर करते हैं आज के डेडलिफ्ट का सेशन। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेनिंग सेशन, थोड़ा सा प्री वर्कआउट लेके आए थे। ये प्री वर्कआउट के बाद आपको इंटेंस का जो पीक फील होती है वो 15 से 20 मिनट के बाद होती है। तो आप देख के कर सकते हो कि आपका प्री वर्कआउट आपको जिम से पहले कितना पहले लेना है, घर पे लेना है या जिम में आके लेना है। तो बहुत सारे लोग डब्बा कैरी करते हैं तो उसकी ज़रूरत होती नहीं है। I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. No, I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after. तो डन, आज की ट्रेनिंग ये ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी दो सेट ट्राई करे थे जो कि फेल हो गए हैं। हो सकता है इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके डाइट ख़राब हो आज की, या फिर आपने अच्छे से वॉर्म अप नहीं करा है, आपने अच्छे से इंगेजमेंट नहीं करी, आपकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा लैक आ गया हो। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, इसका कोई एक क्लियर आंसर नहीं होगा। तो अब चलते हैं आपको डेडलिफ्ट कैसे कैसे परफॉर्म करनी है और आप क्या कर सकते हो, और कुछ क्यूज बताऊंगा जो आपकी बैक पेन को बहुत हद तक सिक्योर करेंगे और इंजरी होने से बचाएंगे आपको। तो चलिए सीधा उस टॉपिक पे चलते हैं। तो अब चलते हैं आपकी डेडलिफ्ट में। आपकी इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है आपकी फॉर्म के ऊपर। अगर बहुत लो इंटेंसिटी है तो भी आप फॉर्म में रह के काम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है तो भी आपकी फॉर्म थोड़ी सी हिंडर करेगी। वो क्यों है आप ये देखिए। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जब डेडलिफ्ट मारनी होती है हमें लैट इंगेजमेंट, ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग इंगेज करनी होती है सब कुछ। अब अगर आप, और ये इंगेज कैसे होगी, क्योंकि आप जब तक बार को अपनी तरफ खींचोगे नहीं, ये देख रहे हो अगर वेट इससे भी कम है, अगर आप खाली बार से भी कर रहे हो तो आप ये सब इंगेज नहीं कर पाओगे, ना लैट इंगेजमेंट आएगी, ना ग्लूट, ना आपकी हैमस्ट्रिंग। एंड अगर आपका 50 से 70% के रेशियो में आपका वेट है, यहाँ मैं 1 RM की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 100 किलो का
आपकी डेडलिफ्ट है तो 50-70% मतलब 50 से 70 किलो में आप एक परफेक्ट फॉर्म बना सकते हो और उसके कुछ मल्टीपल रेप्स आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपके बार के नीचे आपका लोड इतना नहीं होगा कि आप बाकी सारी चीजें एंगेजमेंट कर सको, जैसे कि अभी मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मेरा 100 kg की डेडलिफ्ट है तो ये 60 kg है, बार के साथ बोल रहा हूँ मैं। अब आप इस 60 kg में आप अच्छे से थोड़े से शोल्डर बैक करके, ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूट इंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पे हैमस्ट्रिंग इंगेजमेंट स्टार्ट हो गया। अब आप इसे करके आप उठा सकते हो इजिली, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी फॉर्म वगैरह खराब होगी। क्यों? सपोज आप इस तरह से आयो, अब लोड नीचे ज्यादा है, इंगेजमेंट कितनी कर लोगे आप, अब लोड नीचे ज्यादा है तो आप जब उठाओगे तो आपकी बैक इस तरह से थोड़ी सी राउंड हो जाएगी, जो कि बहुत नॉर्मल है, इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा राउंड हो रही है तो टाइम के साथ साथ आपका डिस्क बल्ज या फिर हर्निएशन वगैरह चांसेस हो सकते हैं और लोअर बैक में कुछ टाइम के बाद पेन स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर इस रेंज में, जिस रेंज में मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस रेंज में भी आप उठा रहे हो तो भी आपकी डेडलिफ्ट सेफ ही मानी जाएगी, क्योंकि थोरेसिक हमारी आगे की साइड झुकने के लिए ही बनी है। इसमें आपने अगर अपना कोर खाली कर दिया तो आपकी लोअर बैक पे लोड आ जाएगा, तो छोटे छोटे क्यूज पे फॉलो करना होता है आपको। डेडलिफ्ट फॉलो करनी है तो कोर ब्रेसिंग मैंने पिछली वीडियो में जस्ट बताया है कि कोर ब्रेस आपको कैसे करना है, एंड सेम चीज आपको इसमें भी करना है। बैकग्राउंड हो रही है कोई बात नहीं, आपकी अगर इंटेंसिटी हाइपरट्रॉफी गेम है तो कुछ मल्टीपल रैप्स करने हैं आपको, जिससे आपकी बैक स्ट्रेंथन होगी, एंड अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आप 80-90% पे आप कंफर्टेबल जोन में, थोड़ी सी आपकी टेक्निक खराब होगी तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर इतना भी कांच का नहीं बना कि आप जरा सा कुछ कर दोगे वो टूट के बिखर जाएगा। ये आजकल हम लोगों ने मिसकंसेप्शन आपने स्टार्ट कर दिया है कि डेडलिफ्ट एक बहुत बुरी एक्सरसाइज है, आपकी बैक आपकी कमर तोड़ देगी टाइप ऑफ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इस चीज में। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने, मेरे नोन में भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने सालों हो गए डेडलिफ्ट नहीं मारी है, इसी डर से कि उनकी बैक में कुछ बल्ज आ जाएगा या कुछ बैक की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, कुछ सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप छोटी छोटी क्यूज में आप काम कर सकते हो, आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो तो प्लीज स्टार्ट करिए। एंड कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं डेडलिफ्ट की, आप डेली लाइफ एक्टिविटी में भी बहुत सारी रेंज आप डेडलिफ्ट की मिमिक करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नीचे से कुछ उठा के ऊपर रखा, वो भी एक तरह से डेडलिफ्ट की जोन में आ जाता है। आप सिंगल हैंड से उठा के कुछ चल रहे हो, वो भी एक तरह से सिंगल हैंड डेडलिफ्ट में आ जाएगा या आरडीएल में आ जाएगा। तो रेंज बहुत सारी आ जाती है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर डेली लाइफ एक्टिविटी में आप इससे ज्यादा काम कर लेते हो, आप 1000 बार झुकोगे, 1000 बार ऊपर आओगे, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आपकी फॉर्म वगैरह खराब होती है, इतना हल्का शरीर नहीं है आपका, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का थोड़ी सी नॉलेज जो मैं देना चाहता था काफी टाइम से आपको, कि आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि थोड़ी सी भी फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कुछ कहीं नहीं आना चाहिए, वरना बहुत आपका कुछ टूट जाएगा, आपके लोअर बैक में पेन आ जाएगा, आपके नी में पेन आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये था आज का हमारा, एंड ये वीडियो, ये जो हमने स्टार्ट करा था आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस इन्फॉर्मेशन, आज इसे खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।